नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज हम किसी ऐतिहासिक किस्से की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर, यानी हम बात करेंगे विज्ञान और भगवान से जुड़े हुए कुछ सवालों पर। अक्सर लोग कहते हैं कि विज्ञान और भगवान के बीच विरोधाभास है, लेकिन मेरा मानना है कि विज्ञान और भगवान के बीच कोई आपसी टकराव नहीं है। दोनों अपने अपने यथास्थान पर स्थित हैं, और अगर हम सोच का स्तर थोड़ा ऊंचा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि विज्ञान और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, बल, ऊर्जा हैं, सारे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर विषय के तौर पर दोनों भिन्न हैं। विज्ञान प्रमाणिक आधारों पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, जबकि ईश्वर अध्यात्म, धर्मशास्त्र और आस्था का विषय है। विज्ञान द्वारा भगवान का अस्तित्व साबित न होने के कारण ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सोच रखना भी गलत है, क्योंकि विज्ञान खुले मन का विषय है। क्योंकि विज्ञान में जिसका अस्तित्व आज नहीं है, क्या पता कल उसके प्रमाण मिलने से वह स्वीकृत हो जाए। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं कि उनके प्रमाण न मिलने के कारण भी उनका अस्तित्व का आभास होता है। और ऐसे ही कुछ असमंजस पैदा करने वाले सवालों के बारे में हम आज बात करेंगे। जब हम कोई भी बाइक, कार, बस, कुछ भी चलाते हैं, तो जब रेड लाइट आती है तो हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं, और जब हमें गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ानी होती है तो हम एक्सेलेटर दबाते हैं जिससे गाड़ी फिर से स्पीड में आ जाए। अब अगर हम अपने इन मानवीय यातायात के साधनों की गति की तुलना प्रकाश के फोटोन पार्टिकल यानी फोटोन कण के साथ करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रकाश के ये कण शून्य अवकाश में 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं, लेकिन किसी पारदर्शक कांच की चीज में ये फोटोन पार्टिकल जैसे ही एंटर होते हैं उनकी गति थोड़ी धीमी यानी 2,40,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मान लें कि वो पारदर्शी कांच एक रेड लाइट थी जिसने उन लाइट के फोटोन पार्टिकल्स को स्लो कर दिया, मगर जैसे ही वो फोटोन पार्टिकल्स उस पारदर्शी कांच से बाहर निकलते हैं तो वे तुरंत ही अपनी मैक्सिमम स्पीड यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली रफ्तार पकड़ लेते हैं। इंसान आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि इन फोटोन पार्टिकल्स को एक्सेलरेटर कहां से मिलता है, उनको इतनी तेज गति कौन सी चीज प्रदान करती है। विज्ञान में रुचि रखने वालों या विज्ञान प्रेमियों को यह बात तो पता होगी कि थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी के अनुसार ऊर्जा का किसी भी तरह से सृजन करना असंभव है और ऊर्जा को खत्म भी नहीं किया जा सकता। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा स्टैटिक है, ऊर्जा पदार्थ में और पदार्थ ऊर्जा में ही परिवर्तित होते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में सब कुछ यहीं रहता है और यह सिद्धांत अड़िग है और यह सब पर लागू होता है। तब सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी ऊर्जा से भर देने वाली वह कौन सी लौकिक शक्ति है, या फिर लौकिक नहीं अलौकिक है। हमारे ब्रह्मांड में चार ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण सभी आपस में बंधे हुए हैं और सुचारू रूप से यह ब्रह्मांड चल रहा है। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग फोर्स। नंबर 4, वीक फोर्स। इन चारों के बिना तो ब्रह्मांड की कल्पना करना भी असंभव है, और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये चार फोर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लाखों साल बाद उत्पन्न हुए, और आज ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया इन चारों फोर्स के ही मुताबिक होती है। फोर्स का यह नियम तो सटीक है और उसमें जरा सी भी ऊंच नीच होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि इन चारों बलों के बिना
बिग बैंग का जन्म कैसे हुआ। विज्ञान के सारे नियमों को नेस्ते नाबूद करने वाला यह सवाल यह भी है कि हम सभी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई और उससे पहले सिंगुलरिटी की अवस्था थी, मतलब कि शून्य अवस्था थी। तारे, ग्रह, उपग्रह, प्रकाश, क्रिया, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं थी। और हमारा विज्ञान यह मानता कि किसी भी क्रिया का कारण होना जरूरी है। देयर कांट बी एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। बिना कारण के कोई भी क्रिया या कोई भी इफेक्ट संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, यह क्रिया भौतिक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमारे विज्ञान के सारे नियम यहां नेस्त तो नाबूद हो जाते हैं, इसलिए संभावित कारण होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर जब बिग बैंग थ्योरी से पहले इतना सारा मटेरियल आया कहां से, और शून्य अवस्था इतने बड़े ब्रह्मांड में कैसे रूपांतरित हो गई, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। और ऐसे ही लाखों प्रश्न हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण तो रहा होगा, लेकिन विज्ञान के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। और विज्ञान इनके जवाब खोजने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि विज्ञान को पता है कि इसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिलने वाला। क्या वैज्ञानिक भगवान में विश्वास करते हैं? भौतिक विज्ञान के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी ईश्वर को मानते थे। उन्होंने अपनी जनरल और स्पेशल दोनों थ्योरी में गॉड डजंट प्ले डाइस जैसे कई ईश्वरवाची शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ईश्वर की मौजूदगी को भी स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता को पढ़ा करते थे और वो कहते थे कि गीता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मॉलिक्यूल फंक्शनैलिटी को जिन्होंने पूरी दुनिया को समझाया वो भौतिक शास्त्री नेल्स बोहर भी ईश्वर को मानते थे। पॉल डेवाइस नाम के महान भौतिक शास्त्री ने तो ब्रह्मांड को भगवान की रचना के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने द माइंड ऑफ गॉड नाम की एक किताब भी लिखी। साइंटिस्ट कार्ल सैगन ने तो द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा नाम की एक किताब भी लिखी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूरा आलेखन किया है। रॉबर्ट ऑपेनहाइमर, जो कि अणुबम बनाने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं, अणुबम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ने उस परीक्षण की जगह पर भगवत गीता के दो श्लोक भी उच्चारे थे। हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अभ्यास करने वाले जहां बहुत सारे वैज्ञानिकों का काफिला जमा हुआ है, वह स्थान जेनेवा स्विट्जरलैंड के पास पार्टिकल एक्सेलेटर के नाम से मशहूर है, जिसको CERN भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CERN में उन्होंने प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार के सामने ही भगवान नटराज की लगभग 2 मीटर की ऊंची मूर्ति को स्थापित किया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर पर यकीन करते हैं, और विज्ञान की थ्योरी को समझने के बाद भी है प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड की रचना का कोई ना कोई रचनाकार तो जरूर रहा होगा। हो सकता है कि हम जिस तरह से भगवान को मानते हैं उस अवस्था में न हो, हो सकता है कि वह निराकार हो सकता है कि वह कॉस्मिक एनर्जी हो या ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो, या फिर हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उस रूप में हो। लेकिन भगवान कहे, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन वह शक्ति जरूर है और हम इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। इसलिए विज्ञान ईश्वर से अलग नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे की पूरक है, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसे विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा करें। सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।